आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज हम कक्षा दस विषय संस्कृत का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में पिचहत्तर नंबर में से आसानी से पचास से साठ नंबर प्राप्त कर सकें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे तो देखिए रामायण इति रूपम का भक्ति अस्तित्व उसका एक तृतीय राजनम शब्द प्रथमा प्रथम विभक्ति बहुवचन से रूपमस्तिष्का राजना रमा इति शब्द से बहुवचन से रूपमस्तिष्का रमाण और रमाभ्याम पदम कश्य बहु सॉरी वचन से अस्त तो इसमें आएगा द्विवचनम ठीक है इसके बाद में पांचवा प्रश्न इदामी वायुमंडलम ठीक है डे डे प्रदूषित मस्ती तो भ्रसम क्या आएगा इसमें भ्रसम आएगा इसके बाद में चार नंबर वाला कि अधोलिखित ऐसु अवयम तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसमें अवयम नहीं है प्रा नहीं है कि तथा नहीं यथा नहीं है कि अस्तु नहीं तो इसमें अवयम नहीं है अस्तु ठीक है चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए उन प्रश्नों का और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें आगे भी आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं की भोजनम के विरुद्ध विशेषणम पदम दडडेश अस्तिषकाय भोजनम मधुराने पदयो गीतानी विशेषम अस्ति वनम वनमसी पर्याय पदम दड डेस कानम और कुटिलम कुटील पर्याय पदम डेस्तिषकाय वा क्रम और निलम्बन इत विलोम पदम देश अस्तिष्क आएगा समलम और सार्थकम तस्सी विलोम पदम दडेड अस्तिष्क कहेगा निरर्थकम ठीक है यहाँ से आप स्क्रीन ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न सूर्य धन उदय इसकी जोड़ी रहेगी गुण संधि त्रिभुनम इसकी जोड़े रहेगी रहे दिग्गु समास सदैव की जोड़ी रहेगी वृद्धि संधि और हिमालय की जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि त्रिमुखी की जोड़ी रहेगी दिग्गु समास और अनुरूपम की जोड़ी रहेगी भाव, ठीक है तो ये हमारी जोड़ी भी कंप्लीट हो गई स्क्रीन शॉट ले और कंप्लीट करें आप अच्छे से इनको इसके बाद में अगला प्रश्न एक पदेन उत्तरम ठीक है कि कर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय आएगा तुम उन गतवान अत्र कब प्रत्य तो गतवान में क्या प्रति है कत्व नेतुम इतस्मिन पदे प्रति अस्थित नेतु में प्रत्यय क्या है कत्वतु केसाम माला रम्यन तो हर हरित तरुललिताम ठीक है सर्वदा सर्वकारे सुख तो का बलवती तो बुद्धि नाम महाम रिपु का आलस्य ठीक है यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए इसके बाद में अगला प्रश्न वाक्य और वाक्य ठीक है पहला है गम्यष्य यति तस्मिन पदे लट लकार अस्ति तो यति में लट लकार है तो यह सत्य है यानी कि इसमें ना आएगा पश्यति तस्मिन पदे लट लकार अस्ति तो पश्यति में लट लकार है तो हाँ है तो इसमें आम आएगा ठीक है घायामी तस्मिन पदे एक वचनम अस्ति तो गस गच्छामी में एक वचनम है तो है तो इसमें आम आएगा लभंते तस् पदे पुरुष अस्ति तो लभ्यंते में मध्य पुरुष है तो नहीं है इसमें मध्य पुरुष ठीक है तो इसका आएगा ना दूर हा, दूर दुर्व्यवहार तस्मीन पदे दूर व्यवहार में दुपसर्ग है तो ये असत्य इसमें आएगा दूर ठीक है दुष्कर्म थी पदे दूपसर्गस्थी तो इसमें भी नहीं दुष्कर्म में उपसर्ग दु है तो नहीं इसमें भी दूर आएगा ठीक है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कर लें ठीक है चलिए अगला प्रश्न है केसाम माला रम्यम कृषक की करोती स्मा ठीक है इसके बाद में केन सम बंधुअस्त नास्ती यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तेरह में जो सुभाष्तानी पाठ दिया गया है उसमें से आपको दो श्लोक कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन नंबर चौदह में है अशुद्धि वाक्य की ठीक है जिनको शुद्धिकरण है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर पंद्रह में वापस से रिक्त स्थान दिए गए हैं ठीक है थीके? ये जो कि मैंने भर दिए हैं क्वेश्चन नंबर सोलह में है क्रम संयोजन जो कि घटना के अनुसार कंप्लीट करने हैं फिर क्वेश्चन नंबर सत्रह वाक वाच्य परिवर्तन ठीक है चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये है अट्ठारह ठीक है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर उन्नीस और यह है क्वेश्चन नंबर बीस चलिए फिर है अगला हमारा प्रश्न ये बीस का अथवा ठीक है फिर इक्कीसवा प्रश्न में आप गद्यांश ध्यान से क्वेश्चन नंबर बाविस में प्रार्थना पत्र छत्रवती का प्रार्थना पत्र लिखना है क्वेश्चन नंबर तेईस में है संस्कृत भाषा का निबंध ठीक है